मुजरिम न कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। तो चलिए NTPC 3200 प्रीवियस क्वेश्चन वाला शुरू करते हैं, और इसमें आज जो हमारा होगा ये RRB NTPC स्टेज 1 29/3/2016 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन जो आया था, 29/3/2016 को जो क्वेश्चन आया था ये सेकेंड शिफ्ट में इसको हम करवाने जा रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ते जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन इजी हो रहे हैं वैसे क्वेश्चन आप लोग खुद बना लेंगे, सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं दोस्तों। तो अगर चूँकि 3200 क्वेश्चन हम बनाएंगे तो फिर समय बहुत लंबा लग जाएगा, इसलिए आपको भी बनाना है, हम दोनों मिलकर बनाएंगे और जल्दी जल्दी इसे ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम आपको 104 नंबर से 113 नंबर यानी टोटल 10 क्वेश्चन हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो 104 से शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने देखिए। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों ये गुना गुनी वाला सवाल, साधारण ब्याज में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, परसेंटेज, ये सारे चैप्टर हम आपको पढ़ा रखे हैं, नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बॉट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, ये सारे पढ़ा रखे हैं। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में खोजेंगे या यूट्यूब पर लिखेंगे, मान लीजिए टाइम एंड वर्क मैथ मस्ती आ जाएगा, मेंसुरेशन मैथ मस्ती तो आ जाएगा। ऐसे करके चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ मैं मिसलेनियस भी आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें सब मिला हुआ है। तो देखिए साधारण ब्याज में गुन्ना गुन्नी वाला सवाल के लिए एक फार्मूला होता है n1-1 और बट्टा होता है n2-1 और बराबर होता है t1 बट्टा t2। सुनिएगा, n का मतलब गुन्ना होता है और t का मतलब टाइम होता है यहाँ पर, और n1 का मतलब पहले बार जो गुन्ना बोला जाए, n2 का मतलब जो दूसरे बार गुन्ना बोला जाए, T1 का मतलब जो पहले बार समय का चर्चा करे, और T2 का मतलब कि दूसरे बार समय का चर्चा करे। तो इस सवाल में एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुना, पहले वाला गुना 3 बोला है। चलिए ये फॉर्मूला वाला -1। अब कहता है समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी कितना समय लगेगा T2 निकालना है 5 गुना होने के लिए, N2 के जगह 5 गुना और फार्मूला वाला -1। दोस्तों ऊपर 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 8/T2, सुनिए 2 × 4 2 गुना हो जाएगा, 2 × 8 = 16, क्रॉस गुना होता है बराबर में, 8 × 2 = 16, यानी T2 बराबर कितना हो गया दोस्तों 16, यानी 16 बरस में वही धन जो है अपना 5 गुना हो जाएगा। यही तो बात है, ये फॉर्मूला आप अगर साधारण ब्याज पढ़े हैं तो आपको आता होगा। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, 105 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिए। कहता है कि 16/a अब बराबर है 1√0.25। आइए दोस्तों कहता है तब a का मान क्या होगा, चलिए बताते हैं a का मान क्या होगा। ये 16/a रहने देते हैं 1/, अच्छा 25 का वर्गमूल 5 होता है, 2 अंक बाद दशमलव है तो बाहर में अब 1 अंक बाद दशमलव आएगा, हो गया। अब ये 16/a बराबर, इसको हम देखिए 0.5 से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में 1 0 चल जाएगा, यानी 10/5 हो जाएगा, ये 5 × 10 और 2 × 8 = 16, सुनिए बराबर में सामने सामने कटता है, क्रॉस गुना होता है, समझे। तो a बराबर अब क्या कहलाएगा, 8 कहलाएगा, ए बराबर 8 हो गया दोस्तों, हमें ए का मान ही तो पूछा था, बस हो गया ए का मान। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा,
दोस्तों अगला सवाल है, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा। क्वेश्चन कहता है कि एबीसी एक साझेदारी कंपनी में, कहता है कितना 120393 कितना हो गया, इकाई दहाई संग्रह हजार 10,000 लाख यानी 120393 रुपये का मुनाफा अर्जित करता है। एबीसी तीनों मिलकर 120393 रुपये का मुनाफा अर्जित करता है, जिसे एबीसी में 5-3-1 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा। सुनिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, इधर है सुनिए ना, इधर एबीसी जो है, एबीसी 5:3:1 में इनके हिस्सा बांटा गया है तीनों के बीच। सुनिए, यानी टोटल में अगर ए 5 रुपया लेगा तब बी को 3 रुपया, और सी बेचारा 1 ही रुपया ले सकेगा, ऐसा बात है। अब सवाल कहता है टोटल तो 120393 रुपया का लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। सुनिए, बी का हिस्सा 3 है, कुल कितना का था, 5 3 8 1 9 का, यानी 3 होगा 9 में, यानी दोस्तों जो बी का हिस्सा होने वाला है ये टोटल का 3/9 भाग। बस अब चलिए इसको काटते हैं, 9 से इसको काट दिया जाए, 9 1 9 3 3 0 30, तो 9 3 27 3 3 3 33, 9 3 27 6 6 9 69, 9 7 63, 6 6 3 63, फिर 9 7 63, दोस्तों 133 77, आ ये गुना 3 तो 7 21 7 21 2, चूँकि 7 21 के 1 हासिल 2, 7 21 2 23 23 के 3 हासिल कितना 2, 3 3 9 2 11 हासिल हो गया हमारे सामने 1 3 39 41 40 131, ये हो जाएगा किसका हिस्सा, बी का हिस्सा 40 131, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तू जाने वफा है, तू जाने गजल है, मगर ये जमाना बड़ा बेवफा है। दोस्तों अगला सवाल सुनिएगा, दो संख्या का महत्तम समापवर्तक यानी HCF 24 है, इसका लघुत्तम समापवर्तक निम्न में से कौन हो सकता है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, जबकि HCF दे रखा है 24, कहता है निम्न में से LCM कौन होगा। ऑप्शन है 118 144, ऑप्शन सी है 128, और ऑप्शन डी कहता है 136। मेरे भाई सुन लो एक बात, कोई भी संख्या का HCF उस संख्या के LCM को पूर्णतः काट देता है। हाँ, ये सही बात है। जैसे आप सिंपल सा बात मान लीजिए, हमारा 4 6 का हम HCF बोलेंगे तो आप 2 कहेंगे, इसका HCF कितना 2 हो गया, और इसका LCM अगर निकाले 4 और 6 का LCM कितना हो गया 12। दोस्तों LCM को HCF काट देगा, ये 2 12 को काट देगा। तो इस बात को याद रख लीजिएगा कि किसी भी संख्या का HCF यानी मस यानी महत्तम समापवर्तक उस संख्या के लघुत्तम समापवर्तक को पूर्णतः काटता है। हाँ, ये बात पक्का है। तो बताइए, यहाँ उस संख्या का HCF दिया हुआ है, कहता है इसमें से LCM कौन हो सकता है, वह होगा जो कट जाएगा 24 से, कट जाएगा 24 6 के 144, यही होगा। अगर मान लो आपको इतना 24 6 के पहाड़ा नहीं आता है, टेबल नहीं आता है, तो 24 से कटने का नियम भी है 8 3 24। जब हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाए हैं नंबर सिस्टम में, उसमें हम बताएं किसी से कटने का क्या रूल है। दोस्तों 8 3 से, अब 3 से कटने का रूल है अंकों का योग, 3 का गुणज हो, 8 1 9 1 10 ही न है, 4 4 8 1 9 ही है, 3 से ही कटेगा, 8 2 10 1 11 नहीं, 6 3 9 1 10 न, इस सब कोई ये नहीं कटेगा, 3 से ये कटेगा, तो 8 से भी कटेगा, 8 से काट के देख लीजिए, 8 1 8 से 6 6 पर 4 64 88 64, बात खत्म। यह संख्या 8 3 दोनों से कटा, इसीलिए 24 से जरूर कटेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 108 नंबर, क्या कहता है 108,
एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे देता है, कुल लाभ या हानि कितने प्रतिशत हुआ? एक दुकानदार क्या करता है ना, अपना सामान के दाम पहले 25% बढ़ा देता है, और जो बढ़ा लिया तो बेचते समय 25% का छूट भी दे दिया, तब कहता है कुल लाभ या हानि कितना प्रतिशत उसे हुआ। दोस्तों एक बात याद रखना, जब किसी वस्तु पर लगातार दो बार घटना घटे, कितने बार? दो बार, ए बी फार्मूला लगेगा, ए बी फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। लेकिन याद रहे वृद्धि तो प्लस आ कमी तो माइनस, वृद्धि तो प्लस आ कमी तो माइनस। जैसे पहले है 25% वृद्धि, 25% बढ़ाया है तो ये प्लस में, जबकि अगला है 25% कमी दाम में तो ये माइनस में, आ यही दोनों गुना करके यहाँ लिखाता है, ए और बी गुना है यहाँ, तो ये प्लस वाला ये माइनस वाला माइनस हो जाएगा, 25 गुना 25, ये ए और ये बी, अब बट्टा 100 प्रतिशत में आएगा। दोस्तों 25 प्लस में 25 माइनस में, ये तो घट के 0 हो गया, अब 25 हाँ 625 माइनस में, नीचा से 2 0 हटाइए, 2 अंक बाद दशमलव सटाइए, यानी आप कहिएगा 6.25% की हानि कहिएगा। काहे कि माइनस में रिजल्ट आया है तो हानि, अब प्लस में रिजल्ट आता, प्लस में आता तब समझते कि लाभ हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ूँ। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मुकाम आए। 109 नंबर सवाल दोस्तों, यदि एक समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कोई समानांतर चतुर्भुज है दोस्तों, और इस समानांतर चतुर्भुज में कह रहा है ABCD का एरिया, पूरे का एरिया है, ABCD का एरिया जो है 25 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 25 वर्ग सेंटीमीटर है। अब सवाल हमें ये कहता है त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD ये वाला, मतलब अगर इसका एरिया निकाला जाए तो ये कितना होगा भैया? अरे भाई, यह विकर्ण जो है इस समानांतर चतुर्भुज को दो बराबर भाग में बांट दिया है, चाहे ऐसे भी खींचते तो, बात है समझ में? तो हमें इसका एरिया पूछा है, तब पूरे का आधा, ये पूरे चतुर्भुज का आधा है ये वाला, यानी कि 25 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत है? नहीं ना, है ना सिंपल साधारण और जानदार शानदार। सुनिएगा अगला सवाल, चलते हैं और देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल हमारे सामने क्या है देखिएगा। सवाल है दोस्तों, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है, यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? दोस्तों एक बात को याद रखना, हमने टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताया है कि कोई भी बिजली के खंभा को ट्रेन पार करती है तो उस समय केवल अपनी लंबाई को पार करती है। सुनिएगा, अगर मान लीजिए ये बिजली के खंभा है, ट्रेन इसको पार करना शुरू किया होगा तो इस सामने से, तो यहाँ से ट्रेन यहाँ तक गई होगी, गई ना ट्रेन यहाँ से यहाँ तक गई, तो ये वही डिस्टेंस है जितना ट्रेन की लंबाई है, यानी बिजली के खंभा को पार करते समय ट्रेन को केवल अपनी लंबाई ही पार करना होता है। अब सवाल तो ये कहा है कि बिजली के खंभा को 8 सेकंड में पार किया है 250 मीटर लंबी ट्रेन, कहना ना झूठ बोल रहे हो, बिजली के खंभा को पार किया इसका मतलब है कि वो अपनी लंबाई यानी वो 250 मीटर दूरी चला है 8 सेकंड में। तो दोस्तों इसका चाल पता चल जाएगा, आपको ट्रेन की चाल पता चल जाएगा, क्योंकि 250 मीटर वो दूरी 8 सेकंड में तय कर दी, हो गया इसका चाल, बात है समझ में? अब सुनिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, और जब ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म को पार करेगी, जब ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई ये प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से ट्रेन पार करना शुरू की होगी इस सामने से, तो यहाँ से चलते चलते जब इसका पिछला डब्बा जैसे ही इस प्लेटफॉर्म के सिरे को छोड़ा होगा, हाँ, तब पार कर गई होगी। ये मान लो ट्रेन है और कोयला वाला ट्रेन ही है अभी, डीजल वाला, ठीक।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गई होगी, यानी देखो यहाँ से प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, यानी दोनों के लंबाई के योग को पार करना होता है ट्रेन को। तो दोस्तों अब जो सवाल कहा आपसे कि 20 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पार किया है, तो हमारे दिमाग में आता है कि इतना नहीं, जबकि होता है कि यहाँ से यहाँ तक 20 सेकेंड लगा है और उसकी अपनी लंबाई 8 सेकेंड में पार किया है, क्योंकि खंभा पार किया था। तो केवल इतना दूरी कितना देर में, अपनी लंबाई वो 8 सेकेंड में, यहाँ से यहाँ 20 है जबकि यहाँ से यहाँ 8 है, तो इधर हुआ 12 सेकेंड। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है तो 12 सेकेंड लेकर ही काम करिएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 12 सेकेंड ही लगा है। तो आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है दोस्तों। तो चाल, चाल कितना, 250/8 मीटर प्रति सेकेंड अगुना 12 सेकेंड, बस सेकेंड सेकेंड कटा, 4 × 8 4 × 12 = 125 बार में 125 × 375 मीटर हो गया दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये था सवाल का बात, ये चीज़ें था इसमें, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल 111 कह रहा है, 4^3 × 5^6 = 10^m है तो m का मान क्या होगा। देखिएगा, कहता है कि यदि 4^3 × 5^6 = 10^m तो पूछ रहा है m का मान क्या होगा। हाँ आइए, अरे 4 × 3 इसका मतलब कि 2 इसमें 6 होगा, लीजिए 5 × 6 10^m कह रहा है। 2×5 = 10 लिख के पावर एक ही जगह 6 लिख सकते हैं, नहीं समझे, समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए कि 2×5 लिख दिया, इसका पावर 6 लिख दिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना, 2 का भी पावर 6 है, 5 का भी पावर 6। अब इसको हम 10^6 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, अभी 10^m बेस समान है दोस्तों, पावर भी आपस में समान कहलाया, m की वैल्यू कितनी हो गई, 6। चलिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, देखिएगा, सवाल कहता है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है दोस्तों, माध्यमाधिका हम पढ़ा रखे हैं, 52, 45, 49, उसके बाद कितना है, 54 है, 56 है, 56 के बाद फिर 52 है, 52 के बाद है आपका x माइनस 3 है, उसके बाद है 56, और कहता है कि x का मान क्या होगा, इसका बहुलक 52 है। सुनिए, जिसमें x का मान, हम आपको माध्यमाधिका बहुलक सारा पढ़ा रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, या लिखिएगा माध्यमाधिका मैथ मस्ती तो पूरा टॉपिक आपको आ जाएगा आपके सामने। दोस्तों इसमें बहुलक 52 बोला है और x का मान पूछा है, तो आपको क्या करना है, x माइनस 3 के बराबर जो बहुलक दिया उसको लिख देना है, बस x बराबर, ये 3 जाकर उधर जुड़ जाएगा, 52 × 3 कितना हो गया, 55, x की वैल्यू निकल के आ गया आपका 55, यही आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, जो बहुलक देगा उसके बराबर लिख दीजिए। अगला सवाल हमारे सामने 113 नंबर, और इसे समझिएगा ग्राफ को। निम्नलिखित चार्ट कक्षा के छात्र द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है, यदि 165 छात्र डी खेल खेल लेते हैं तो विद्यालय में छात्र की कुल संख्या कितनी है। आप देख रहे होंगे ऐसे जो खंभा टावर की तरह है, उसमें दिया हुआ है गेम ए, गेम बी, गेम सी। जैसे गेम बी में देखिएगा कि 20% लोग गेम बी खेलते हैं, उसी तरह गेम सी है 10% लोग खेलते हैं, गेम डी हो गया, गेम ई हो गया। गेम का नाम ए बी सी डी ई दिया हुआ है और प्रतिशत ऐसे ऊपर की तरफ दिया हुआ है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, है ना, कि कौन सा गेम कितने प्रतिशत लोग खेलते हैं। सवाल ये कहता है ऊपर में ही कि यदि 165 छात्र डी खेल खेल लेते हैं तो विद्यालय में छात्र की कुल संख्या। दोस्तों कभी भी कुल संख्या का मतलब होता है 100% का मान निकालना, और डी खेलने वाला 165 दिया हुआ है,
डी खेलने वाला 165 दिया हुआ है, तो डी खेलने वाला प्रतिशत में कितना है, गेम डी टावर, देखिए गेम डी के सामने टावर जो है वो गया है 15% के सामने, यानी कि गेम डी खेलने वाला विद्यार्थी 15% है जबकि रियल में 165 है, तो 15% का वैल्यू 165 हुआ। और टोटल विद्यार्थी निकालना है तो 100% का मान निकालना होगा, बात समझे कि नहीं, तो 165 बटा 15 आ गुना 100, 15 से इसको काटिएगा 11 बार में कट जाएगा, तो 1100 हो गया आपका टोटल विद्यार्थी, बस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, बात है समझ में। तो गणित बहुत ही आसान है, बशर्ते अगर आप इसे सही से पढ़ते हो, इसकी छोटी छोटी चीज़ों को एब्जॉर्व करते हो अपने अंदर, तो आपको सीखना गणित बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और आप मेरा हेल्प करना चाहते हैं तो शेयर करिए। इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, आपने पहली बार मेरी वीडियो को देखा है, अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।